नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि उसे जानते हैं कि हमारे चैनल विशेष तौर से बीएड डीएलएड के साथ साथ शिक्षा से संबंधित खबरों के लिए समर्पित रहता है और हम सभी प्रयास करते हैं कि आपका सिलेबस समय से पूरा कराया जा सके। तो साथियों, लिंग विद्यालय समाज की जो प्लेलिस्ट में जो अमनमणि सर ने आपको पढ़ाया है वह तो परीक्षा में आना ही आना है, क्योंकि जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वह उन्होंने पढ़ाए हुए हैं और कुछ चीज़ें अभी बच गई हैं जो कि सिलेबस पे बदलाव हुआ है, वो वीडियो पुरानी है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो बदली हुई हैं उनको लेकर के मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ और इसी संदर्भ में आज हम सभी अध्ययन करेंगे कि ट्रांसजेंडर, चूँकि ट्रांसजेंडर के बारे में अमनमणि सर ने पढ़ा दिया है और आज हम सभी अध्ययन करेंगे, आप सभी मेरे साथ अध्ययन करेंगे कि ट्रांसजेंडर के उपवर्ग क्या हैं और ट्रांसजेंडर से संबंधित समस्याएं क्या हैं। तो ट्रांसजेंडर से संबंधित उपवर्ग की अगर बात किया जाए तो ट्रांसजेंडर से संबंधित आपके उपवर्ग कितने हैं, कुल 4 के बाद 5, 5 उपवर्ग हैं। देखिए, कह रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा भारत सरकार के, ठीक है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, इसके द्वारा एक समिति का गठन किया गया जो कि अपने विषय में विशेषज्ञ थी। ठीक है, कोई भी समिति का गठन किया जाता है तो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग उसमें शामिल किया जाता है। तो कह रहा है कि अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अनुसार, जो उन्होंने समिति गठित की थी, ठीक है, जो विशेषज्ञ थी लिंग के प्रति, उसने ट्रांसजेंडर समुदाय के निम्न उपवर्ग को बताया है। इस समिति ने जो ट्रांसजेंडर के लिए क्या थी, एकदम विशेषज्ञ थी, इसने बताया कि ट्रांसजेंडर के कुल 5 उपवर्ग हैं। सबसे पहला इसमें आता है हिजड़ा। ठीक है, आसपास हमारे जो दिखाई आपको देते हैं वह मांग चलिए कि 70% हिजड़ा ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और हम बोलते भी हैं कि हिजड़ा आ गए, तो हिजड़ा बोलते हैं, लेकिन सभी हिजड़ा होते नहीं हैं, उनमें भी 5 उपवर्ग, जैसे कि हमारे ब्राह्मण में कोई मिश्रा है, कोई उपाध्याय है, कोई चतुर्वेदी है, कोई त्रिवेदी है, कई सारे उपवर्गों में बटा हुआ है। यादव में कोई ग्वाला है, कोई, ठीक है, उस तरह से बहुत सारे उपवर्ग में हर जातियां बटी हुई हैं। ठीक उसी तरह से ये हिजड़ा समुदाय भी है, ये जो ट्रांसजेंडर समुदाय है यह भी 5 उपवर्गों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिजड़ा है। हिजड़ा बारे में हम अगर बात करें तो हिजड़ा एक निर्धारित मान्यता और परंपरा को लेकर के ये चलते हैं। इनकी कुछ निश्चित मान्यताएं, कुछ परंपराएं होती हैं। यह अक्सर आपको बधाई देने के लिए आपके घर पे आते हैं, ठीक है, दुआ देने के लिए आते हैं, शादियों में नृत्य करने के लिए आते हैं। और इनके जो उन्होंने कहा कि कुछ निर्धारित मान्यताएं परंपराएं होती हैं, तो उसमें एक गुरु शिष्य परंपरा भी होती है। कुछ हिजड़ों के कोई गुरु भी होते हैं जो कि उनको समय समय पर उपदेश देते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो यह आपका हो गया हिजड़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा क्या है उपवर्ग भैया, दूसरा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक उपवर्ग। ये धार्मिक और सांस्कृतिक उपवर्ग जो है इसके अंतर्गत इस वर्ग में जो आपके ट्रांसजेंडर आते हैं, यह अक्सर मंदिर, ठीक है, देवालय, आश्रम के साथ साथ किसी भी धार्मिक केंद्र में यह निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर तीन क्या है, ट्रांस वुमेन से पहचान यह है कि इसमें जो उपवर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वह क्या करते हैं, वह कानूनी रूप से अपनी पहचान अलग करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारी पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में न हो, वह अपनी पहचान कानूनी रूप से बनाना चाहते हैं और इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए यह लिंग प्रत्यारोपण का कार्य कराते हैं। ठीक है, इसके लिए यह ट्रांस वुमेन ऊपर में रखा गया है, यानी पुरुष जो होते हैं वह महिला के बायोलॉजिकल सेक्स के द्वारा क्या करते हैं, अपने आप को महिला दिखाने का बर्ताव करते हैं, जो कि होते महिला वो नहीं है, लेकिन वो लिंग प्रत्यारोपण के द्वारा अपने आप को महिला दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे है ट्रांसमेन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्रांसमेन का मतलब है इसके अंतर्गत जो आपके आते हैं ट्रांसजेंडर, यह क्या होते हैं, यह महिला होते हैं और महिला से या लिंग प्रत्यारोपण के द्वारा पुरुष बनने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि यह आपका महिला से, यानी कि वुमेन से मेन होगा और ये मेन से वुमेन होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट आपका है कोथी। कोथी क्या है,
कोठी न महिला से पुरुष बनता है, न पुरुष से महिला बनता है, यह जो है वही रहता है। ठीक है, जो है वही रहता है और यह सदैव किसकी वेशभूषा में रहते हैं, यह सदैव पुरुष की वेशभूषा में रहते हैं। ठीक है, यह सदैव पुरुष की वेशभूषा में रहते हैं। तो यह तो हो गया ट्रांसजेंडर का उपवर्ग। ठीक है, अब आपके मन में विचार आता होगा कि हमारे घर पे बच्चा होता है तो ये हिजड़ा पहुंच कैसे जाते हैं, इनको कैसे पता चल जाता है कि हमारे यहाँ हुआ है। तो देखिए यह क्या होता है, जब आपके यहाँ बच्चा होता है हॉस्पिटल में, मैं नगर की बात कर रहा हूँ, ठीक, शहर की बात कर रहा हूँ, शहरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है जन्म एवं मृत्यु कार्यालय में या नगर पालिका में या नगर निगम में रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन से ही वो लिस्ट देख करके कि कहाँ पे लड़का जन्म लिया है आपके घर पे पहुंच जाते हैं। पहले हम भी सोचते थे कैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इस तरह से वो पहुंचते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे ट्रांसजेंडर से संबंधित समस्या है। ट्रांसजेंडर संबंधित क्या समस्या है, देखिए हम मानव हैं और जो धरती पे जन्म लिया है वह समस्या से बचा नहीं है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, समस्याएं सबके सामने आई हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर से क्या क्या संबंधित समस्याएं हैं। तो ट्रांसजेंडर तो भैया समस्या से, चूंकि स्त्री और पुरुष के पास इतनी समस्या है तो यह तो न स्त्री है न पुरुष है, इसके पास तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सबसे पहली समस्या है भेदभाव की। भेदभाव मतलब ये है कि कहीं अगर किन्नर बैठा हुआ है, ट्रांसजेंडर बैठा हुआ है, तो हम वहाँ अपने बच्चों को बैठने नहीं देते, कहना वहाँ मत बैठो, उसके पास मत बैठो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम उनके साथ भेदभाव, समाज में उनके साथ भेदभाव होता है। उनको अगर आपके घर भी आ गया तो उसके लिए पानी पीने के लिए अपना वाला गिलास नहीं देते हैं, उनको प्लास्टिक वाली गिलास देते हैं। तो ये क्या, यह भेदभाव का ही एक प्रकार है। तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद स्वयं की पहचान का मुद्दा। ट्रांसजेंडर सोचते हैं कि हमारे एक स्वयं की आईडी बने, स्वयं की हमारी अलग पहचान हो, लेकिन यह हो नहीं पाता है। बातें तो बड़ी बड़ी नेता मन से करते हैं कि हाँ ये होगा ये होगा, ठीक है, लेकिन कोई उनके लिए विशेष रूप से कोई सोचता नहीं है और कोई कार्य करता ज़्यादा नहीं है। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बातें करने से काम होता नहीं है, क्योंकि जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं है। तो कह स्वयं की पहचान का मुद्दा है कि वह सोचते हैं कि उनकी अलग पहचान बने। जैसे 1994 में उनको मतदान का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार देने से यह थोड़ी हो जाएगा उनकी स्वयं की पहचान बन जाएगी, क्योंकि उस पर महिला या पुरुष उनका लिंग के रूप में लिखना था, जिसके वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। हालांकि अब जाकर के स्थिति में अब सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है, ताकि और सुधार हो और उनको एक बढ़िया समाज में स्थान मिल सके। आगे बात करेंगे सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं इनके साथ होती हैं। सामाजिक समस्याओं से तात्पर्य यह है कि इन्हें कहीं भी विद्यालय में, ठीक है, चाहे कोई सार्वजनिक स्थान हो, सदैव इनको हंसी मजाक का पात्र बनाया जाता है। इनको कोई अपने यहाँ क्या करता है, नौकरी भी नहीं देता है। सामाजिक समस्या इतनी है कि इनको धर्म स्थान में प्रवेश करने नहीं देता है, इनको दूसरे भगा दिया जाता है कि नहीं नहीं आप यहाँ नहीं आएंगे, आपको इनके घर नहीं जाना है, आप हमारे मोहल्ले में नहीं आइए। ठीक है, तो यह क्या है, ये सामाजिक समस्याएं हैं। समाज में जितनी समस्याएं हैं सबसे यह प्रभावित होते हैं। ठीक है, इनके साथ भेदभाव होगा, छुआछूत का बर्ताव होगा, ठीक है, इनको हे दिशा देखा जाता है। तो ये सामाजिक समस्याएं हैं, इनको अगर जल्द से जल्द अगर कोई भी मान लीजिए सरकारी लाभ यह उठाना चाहते हैं तो इनको जल्दी कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिल पाता है। आगे है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब है कि इनको कोई अपने यहाँ रोजगार देता नहीं है, सोचता है कि अगर इनको रोजगार दे देंगे तो हमारे यहाँ ग्राहक ही नहीं आएंगे, इसे लोग भेदभाव की नीति अपनाएंगे, तो कोई अपनी दुकान बंद कराना नहीं चाहता है, इसीलिए यह बेरोजगारी का भी दर्द झेलते हैं। और अक्सर आपको ट्रेनों में ताले बजाते हुए चौराहों पे ऑटो में आपको मिल जाएंगे, चूंकि उनको कोई रोजगार देगा नहीं, चूंकि किसी को शौक लगा नहीं है कि वह घूम के जबरदस्ती किसी से पैसा मांगे, लेकिन यह एक प्रकार की मजबूरी कह सकते हैं। हालांकि हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो 90% रियलिटी है वह बता रहे हैं। हो सकता है 10% जो ट्रांसजेंडर उनका मन हो, उनको कोई काम नहीं है, बस ताली बजा के पैसा ले लेना है तो सबसे आराम काम है, लेकिन सबका शौक नहीं होता। सभी लोग सोचते हैं कि हम भी एक अच्छी जिंदगी जिए और एक काम करते हुए, सम्मानजनक काम करते हुए समाज अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है बेरोजगारी के कारण। तो ये अभी एक समस्या है। आगे हम बढ़ेंगे आवास की समस्या। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, ठीक है, जो उसके पात्र लाभार्थी हैं उसका क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन इनको आवास भी नहीं मिल पाता है। और कई सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो कि माँ बाप अगर उनको पता चल जाता है कि हमारा बच्चा यह ट्रांसजेंडर के रूप में
क्या व्यवहार कर रहा है, तो वह क्या करते हैं, बच्चे को घर से भगा देते हैं। ठीक है, अब भगा देते हैं तो उनके सामने आवास की समस्या पड़ जाती है कि वो रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, और इस प्रकार से मानव तस्करी बढ़ने की समस्या भी रहती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अधिकारों से वंचित रहना, इनके जो अधिकार हैं यह अपने अधिकारों का भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मत देने का अधिकार। ठीक है, यह तो हालांकि अब आया धीरे धीरे, लेकिन अभी भी पूरी तरह से धरातल पे यह नहीं उतर सका है, अभी ये हवाई बातें ही हैं। तो यह मताधिकार से वंचित हैं, इनका DL जल्दी नहीं बन पाता है अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं तो धीरे धीरे स्थिति परिवर्तन आ रहा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी और परिवर्तन लाना बाकी है। जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं तो आप फॉर्म में लिखता है गर्ल्स बॉयज, उसके बाद नीचे कुछ आता नहीं है, तो यह क्या है, अपने अधिकारों से वंचित हैं। इनके जो मूलभूत अधिकार हैं, जैसे कि वोट का अधिकार है अनुच्छेद 326 के तहत, यह वोट का अधिकार भी अपना सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं, DL नहीं बन पाता है, राशन कार्ड से भी इनका जल्दी नहीं बन पाएगा। तो ये जो इनके अधिकार हैं, जो इनको चीज़ें मिलनी चाहिए, वो अभी इनको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। आगे है मौखिक हिंसा, अनावश्यक रूप से जब ये जाते हैं तो लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं और बहुत सारे भद्दे भद्दे शब्द भी फप्तियाँ इनके ऊपर कसते रहते हैं मुँह से, तो जो कि मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है, तो यह भी एक समस्या है। आगे है शोषण, इनका इनको काम दिलाने के नाम पर, ठीक है, इनको कुछ इनकी कुछ सहायता करने के नाम पर अक्सर लोग इनका शोषण कर लेते हैं। यह शोषण शारीरिक भी हो सकता है और यह शोषण मानसिक भी हो सकता है, यह शोषण यौन शोषण भी हो सकता है, तो इस प्रकार से यह शोषण के शिकार भी समय समय पर बनते रहते हैं। आगे है हिंसा, चूँकि जिसका कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनका दबदबा है उन्हीं का जलवा है, और इन चूँकि इनकी संख्या कम होती है इसलिए अक्सर पुरुष वर्ग या महिला वर्ग के द्वारा यह हिंसा के शिकार भी हो जाते हैं। यह हिंसा शारीरिक रूप से भी हो सकती है और मौखिक रूप से भी हो सकती है, तो ये अक्सर हिंसा के शिकार भी हो जाते हैं, और इनके जब हिंसा के शिकार होते हैं तो जल्दी इनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थाने पर। ठीक है, तो यह सारी समस्याएँ हैं इनके साथ। इसके बाद आपराधिक मामलों से लिप्तता, चूँकि इन पर कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती करता नहीं है इसलिए आपराधिक मामलों में, और दूसरी बात की जोर जबरदस्ती कोई करता नहीं है और बेरोजगारी की दर ज़्यादा है, इनको रोजगार कोई देता नहीं है, इसलिए यह आपराधिक मामलों में सम्मिलित होने की समस्या भी इनके साथ घटित होती है। यह मजबूर होकर के पेट पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए आपराधिक मामलों में भी सम्मिलित हो जाते हैं, चूँकि इनका कोई ज़्यादा तलाशी लेता नहीं है, इनसे कोई ज़्यादा मतलब रखता नहीं है, इनसे लोग दूर ही रहना चाहते हैं, तो आपराधिक मामलों में सम्मिलितता बढ़ने की समस्याएँ भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भिक्षावृत्ति, इन भिक्षावृत्ति की भी समस्याएं इनके साथ होती है, क्योंकि रोजगार मिलेगा नहीं, मान लीजिए अपराधी मामलों में ये फंसना नहीं चाहते हैं और शोषण इनका कहीं जा रहे तो हो रहा है, तो यह क्या करेंगे, भिक्षावृत्ति की दर को और बढ़ाते हैं, तो भिक्षावृत्ति की समस्या देखने को मिलती है। अभी मैं आपको बता दूँ, अभी मैं गया था एक बार पेपर देने के लिए, नगर पालिका परिषद विद्यालय है मुगलसराय में, जिसको आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बोलते हैं, वहाँ का जो चेयरमैन इस समय है नगर पालिका का, वह एक किन्नर बना है, एक ट्रांसजेंडर नगर पालिका का चेयरमैन इस बार चुना गया है, इस बार के चुनाव में। तो हम लोग परीक्षा दे रहे थे तो वह आया, ठीक है, उनका नाम है सोनू किन्नर, वह आए और उसके बाद सका लगा इसे कहीं और कैसा हो रहा है पेपर, तो मेरे यहाँ भी आया और बाबू कैसा हो रहा है पेपर से छूते हुए। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सर कहूँ कि मैडम कहूँ, मैं क्या करके संबोधित करूँ कि हाँ सर ठीक हो रहा है, हाँ मैडम ठीक हो रहा है। अब यह सोच ही रहा था तब तक वो ऐसे करके पूछ करके चला गया आगे, फिर दूसरे बच्चे से हालचाल किया। तो यह क्या है, यह हमारे साथ भी समस्याएं हैं कि हम निर्धारित नहीं कर पाते कि उनको हम पुरुष के रूप में सम्मान दें या महिला के रूप में सम्मान दें। तो यही सारी समस्याएं हैं आपके ट्रांसजेंडर से संबंधित। आशा करता हूं कि आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं देश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।